अब तक हमने देखा कैप्टन यामी और कैप्टन नोजेल एक टीम को लेकर आस्था के ब्रेसलेट की लोकेशन पर जाते हैं और डेविल बैनिशर्स उन्हें चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं, जिस वजह से उन्हें वापस आना पड़ता है। और तब यहाँ पैलेस में दवनाटियो सभी को अपने साथियों के बारे में बताता है और साथ में उन्हें यह भी बताता है कि अगर काबे उन सभी को लीड कर रहा है तो वो पब्लिकली सबको मारेगा। और तब हम देखते हैं डेविल बैनिशर्स ने एक टाउन की दीवार पर नैरो और मैरी को मारने का संदेश दिया होता है। और अब आगे तब हम यह देखते हैं मैरी और नैरो को होश आ जाता है, पर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तब नैरो सोचती है इन्होंने हमारा मैजिक सील कर दिया है और जो मैजिकल आइटम जो मैंने आस्था से लिया था वो भी अब कहीं चला गया है। इस लड़की और मुझ में बस एक ही चीज कॉमन है कि हम पर डेविल्स के सर्वेंट होने का इल्जाम लगा था, तो शायद ये लोग हमारा किसी तरह फायदा उठाना चाहते हैं। तब यहाँ काबे कहता है हम ये सब कुछ जस्टिस के लिए कर रहे हैं। तब डाजू कहती है आपने सही कहा, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग इस दुनिया को उन डेविल के सर्वेंट से आजाद करवाएं जिन्होंने किंगडम में तबाही मचा रखी थी। और तब हम यह देखते हैं उन डेविल सर्वेंट्स की एग्जीक्यूशन को देखने बहुत सारे लोग आए होते हैं और वो सभी लोग उन्हें मरता हुआ देखने के लिए बहुत उतावले हो रहे होते हैं। तब घोष कहता है आखिरकार उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ये सब कुछ करने की, मैं उन सभी को मार डालूंगा। और हम देखते हैं सभी ब्लैक बुल्स चुपचाप वहाँ पर सब कुछ देख रहे होते हैं। और तब विजर्ड किंग कैप्टन यामी से कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं सारी स्क्वाड अपनी अपनी पोजीशन पर तैयार है, उन डेविल वैनिशर्स ने कहा है कि वो शाम को उन दोनों को एग्जीक्यूट करेंगे। हमें नहीं पता कि वो लोग कितने हैं, पर हमें बस इतना पता है कि वो लोग मैजिक के साथ साथ बहुत सारे ड्रग्स को भी यूज करेंगे। ये मिशन थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, पर मैं चाहता हूँ आप सभी लोग उन दोनों को बचाने के लिए वो सब कुछ करें जो आप कर सकते हैं। सिल्वर ईगल और क्रिम्सन लायंस उन दोनों को बचाने और यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेंगे। ब्लू रोज नाइट और ग्रीन प्रिंग मेंटिस आसपास नजर रखेंगे और उन दोनों होस्टेसेस को बचाने का जिम्मा ब्लैक बुल्स का है। तो कैप्टन यामी कहते हैं ये बिल्कुल सही प्लान है, पर यहाँ पर एक ऐसा आदमी है जिसका इस प्लान से कोई लेना देना नहीं है। वो शायद यहाँ ये देखने आया है कि उसके साथी इसके पीछे है या नहीं, पर हम इसे अपनी मनमर्जी करने नहीं दे सकते। तब विजिट किंग कहते हैं इस टाइम हमारा उन दोनों को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है, तो क्या तुम्हें हमारा प्लान मंजूर है दवनाटियो? मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे सबसे पहले कुछ कंफर्म करना है। अगर आस्था सबके सामने अपनी डेविल की पावर को यूज करेगा तो वो इससे सबको और भी ज्यादा मुसीबत में डाल देगा। तब कैप्टन यामी कहते हैं चिंता मत करो, वो अपनी डेविल पावर कभी यूज नहीं करेगा। तो अब स्क्वाड ध्यान से सुनो, आस्था और घोष को छोड़कर सभी लोग आसपास नजर रखो, हमारे दो साथियों की जान अब हम पर निर्भर कर रही है, तो इसलिए जरा ध्यान रखना। तब यहाँ मार्क्स कहता है जैसे कि आपने कहा था वैसे और भी स्क्वाड्स और जगह पर नजर रखे हुए हैं। तब विजिट किंग कहते हैं ये अच्छी बात है, हमें नहीं पता ये एग्जीक्यूशन सच भी है या नहीं, तो इसलिए हमें अलग अलग जगह पर नजर रखनी होगी ताकि कहीं पर कुछ गड़बड़ ना हो। तो मार्क्स कहता है हमें इस प्लान को सक्सेसफुल करना ही होगा, नहीं तो चीजें और भी बिगड़ सकती हैं। तुमने सही कहा, अब हमें मैजिक नाइट्स पर भरोसा रखना होगा। और तब हम यहाँ देखते हैं यूनो और उसकी स्क्वाड आसपास नजर रखी होती है। तब यहाँ हम देखते हैं लोग उन डेविल वैनिशर्स के आने का इंतजार कर रहे होते हैं और कहते हैं इस काम के लिए हम मैजिक नाइट्स और मैजिक पार्लियामेंट पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमारे असली शुभचिंतक डेविल वैनिशर्स हैं। तब यहाँ फिनरल सोचता है मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग इसी भीड़ के अंदर होंगे। तब यहाँ जोरा सोचता है ये लोग जस्टिस के नाम पर पागल हो चुके हैं, क्या उन्होंने इन पर किसी तरह का कोई ड्रग यूज किया है? और तब हम देखते हैं जैसे ही वैनिसा पीछे हटती है वैसे ही दो लोग उसका पीछा करने लगते हैं। तब यहाँ घोष और आस्था जाने की बात कर रहे होते हैं पर कैप्टन यामी उन्हें रोक देते हैं। तब कैप्टन नोजेल कहते हैं उनके आने का टाइम हो चुका है, आखिरकार वो लोग है कहाँ? और तब हम देखते हैं टाइम पूरा हो जाता है पर वहाँ पर कोई नहीं आता। तभी दो पर्सन वैनिसा के पीछे पहुँच जाते हैं और उनमें से एक पर्सन कहता है अगर तुम अपने दोस्तों को जिंदा देखना चाहती हो तो तुम वैसा ही करोगी जैसा हम चाहते हैं, और अगर तुमने कोई भी गलती की तो हम उन दोनों को पब्लिक में लाने से पहले ही मार देंगे, तो इसलिए हमारे साथ बाहर की तरफ चलो। तब वैनिसा सोचती है वैसे तो ये पहले बताया गया था पर फिर भी मुझे इनका मैजिक फेल नहीं हुआ, मुझे नहीं लगा था कि ये लोग ऐसे आ जाएंगे, पर कोई बात नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि बाकी लोग बिना मेरे ही उन दोनों को बचा लेंगे। और तब हम देखते हैं वो डेविल बैनिशर सबके सामने आ जाते हैं और मैरी और नैरो को भी साथ ले आते हैं जिन्हें देखकर सभी लोग नारे लगाने लगते हैं। तब कैप्टन नोजेल कहते हैं तो ये उन मैजिक आइटम की वजह से हो रहा है जिस वजह से हम इनके मैजिक को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तब कैप्टन वर्मिलियन कहते हैं और सिर्फ उन तीनों ने ही मैजिक आइटम को पहन रखा है। तब कावे कहता है इस लड़की के पास ये सिंग है जो
क्योंकि इस बात का प्रूफ है कि इसने फॉरबिडन मैजिक को यूज किया है और डेविल को अपनी आत्मा को बेच दिया है। और जो इसके साथ लड़की है वो भी अपने भाई के साथ डेविल की सर्वेंट बन गई है, और इसका भाई तो पहले से ही क्रिमिनल है। हम लोग जानते हैं कि इन लोगों ने पहले ही बहुत सारे लोगों को जख्मी किया है, और तब हम देखते हैं सभी लोग उनको उन्हें मारने के लिए कहने लगते हैं। तब यहाँ मैजिक पार्लियामेंट का एक मेंबर कहता है, लॉर्ड डामनाटियो, अगर ये बैरियर स्पेल एक्सप्लोड हुई तो इससे बहुत सारे लोग जख्मी हो जाएंगे। तब डामनाटियो सोचता है, काबी चाहे तुम्हें जस्टिस चाहिए पर तुम उसके लिए इतने सारे लोगों की जान कैसे खतरे में डाल सकते हो। तब काबी कहता है, पर हमें एक चीज नहीं भूलनी चाहिए, यहाँ पर एक लड़का है जिसे डेविल ने पोजेस किया हुआ है और उसे हमें इन दोनों से ज्यादा नफरत करनी चाहिए, और उसका नाम है आस्था। हम लोग सबसे ज्यादा उसे मरता हुआ देखना चाहते हैं, और हम जानते हैं कि वो यही है, और अगर तुम इस टाइम हमारे सामने आ जाते हो तो हम इन दोनों को छोड़ देंगे। तो आखिरकार तुम क्या चाहते हो? क्या तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे दोस्तों से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? तो तुम ये साबित कर रहे हो कि तुम सच में एक डेविल हो जिसे अपने दोस्तों की बिल्कुल परवाह नहीं है। तो नोएल सोचती है, आस्था कभी भी अपने दोस्तों को मुसीबत में नहीं छोड़ेगा। तब कावे कहता है, तो अगर अब तुम सामने नहीं आने वाले तो हम इन दोनों को मार डालेंगे। और तभी हम देखते हैं आस्था सबके सामने आ जाता है और वो लोग उसे स्टेज पर बुलाते हैं। तो कैप्टन यामी सोचते हैं, आखिरकार वैनिसा कहाँ है? पर इस टाइम हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उसे ढूंढें। और तब हम देखते हैं आस्था के आने के बाद सभी लोग उसे किंगडम के डिस्ट्रक्शन के लिए ब्लेम करने लगते हैं और उसे एग्जीक्यूट करने के लिए कहने लगते हैं। तब आस्था कहता है, हम डेविल के लिए काम नहीं करते हैं। पर हम देखते हैं कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा होता। और तब काबे आस्था से उसकी ग्रिमोर को मांगता है और कहता है, क्या हुआ? क्या इससे तुम्हारे प्लान में कोई खराबी आ गई? हमें पता है कि तुम अपने एंटी मैजिक से इस बैरियर को हटाना चाहते हो, पर हम ऐसा होने नहीं देंगे। अगर मैं सब कुछ मान लूंगा तो क्या तुम नैरो और मैरी को जाने दोगे? जैसा मैंने कहा वैसा ही होगा। तो फिर उन दोनों से दूर हट जाओ और अपनी तलवारों को भी नीचे रख दो। तब कावे अपने साथियों को ऐसा करने के लिए कहता है और आस्था से उसकी ग्रिमोर को मांगता है। और तब हम देखते हैं काबे का ध्यान जैसे ही होस्टेज से हटता है, हम देखते हैं आस्था और बाकी ब्लैक बुल्स उसकी तरफ हमला कर देते हैं और आस्था अपने एंटी मैजिक स्वॉर्ड से उस बैरियर को तोड़ देता है। और तब वो फिर से आस्था पर स्लीपिंग पोशन से हमला कर देते हैं, पर आस्था इस बार उससे बच जाता है। तब सियोना आस्था पर हमला कर देती है पर आस्था उसके मैजिक को काट देता है। तब यहाँ फिनरल नैरो और मैरी को बचा रहा होता है पर सियोना उसे देख लेती है और उस पर हमला कर देती है। तब लोको और मैग्ना भी वहाँ आ जाते हैं और तब हम देखते हैं इतने धमाकों को देखकर बाकी स्कॉर्ड्स भी वहाँ आने लगती है। और तब हम देखते हैं उन डेविल बैनिशर्स के साथ और लोग भी जुड़ जाते हैं और वो डेविल बैनिशर्स वहाँ से गायब हो जाते हैं। तब यहाँ कैप्टन यामी भीड़ की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे होते और तब हम देखते हैं वो लोग एक ड्रग से उन पर हमला कर देते हैं जिससे चारों तरफ स्मोक हो जाती है। पर नोएल सबको बचा लेती है और कहती है, आखिरकार क्या हो रहा है? आखिरकार मैं अपने मैजिक को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही हूँ? तब फिनरल के आने पर गोश पूछता है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और मैरी कहाँ है? आस्था उसके पीछे गया है। वैसे तो मैं भी उनके पीछे जाने वाला था पर इस स्मोक की वजह से मेरी आई साइट और मैजिक दोनों इफेक्ट हो रहे हैं। तब जोरा कहता है, यहाँ आसपास जो मैंने ट्रैप स्पेल लगाए थे वो भी एक्टिवेट नहीं हो रहे हैं। लगता है ये स्मोक हमारे मैजिक को डिस्टर्ब कर रही है। तब कैप्टन यामी कहते हैं, अगर ये लोग ऐसे ही खेलना चाहते हैं तो इन्हें मैं कंट्रोल करता हूँ। और तब कैप्टन यामी उन पर हमला कर देते हैं और हम देखते हैं बाकी स्क्वाड भी वहाँ आ जाती है। तब यहाँ वैनिसा कहती है, आखिरकार तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तब वो पर्सन कहता है, हमारा मिशन बस तुम्हें वहाँ से दूर ले जाना था क्योंकि तुम्हारे मैजिक से तकदीर चेंज हो सकती है। पर इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे दोस्त उन लोगों को बचा लेंगे, तो इसलिए अब मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं मानूंगी। तब वो लड़की कहती है, हम जानते हैं कि हम एक मैजिक नाइट को नहीं हरा सकते और हम ये भी जानते हैं कि मैजिक नाइट किसी की भी मेमोरी को भी पढ़ सकते हैं, तो इसलिए हम इस मिशन के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने जा रहे हैं। और तब वो दोनों अपने आप को जला लेते हैं। तब यहाँ आस्था मैरी और नैरो को बचाते हुए एक कॉर्नर पर पहुँच जाता है जहाँ डेविल बैनिशर्स उनका इंतजार कर रहे होते हैं। तब अनोबी कहता है, हम यही चाहते थे कि तुम हमारा पीछा करते हुए यहाँ आ जाओ और तुमने वैसा ही किया। तब डाजू कहती है, अब अपनी ग्रिमोर यहाँ रखो नहीं तो हम तुम्हारे दोस्तों को मार देंगे। तब आस्था कहता है, तुम दोनों चिंता मत करो, हम लोग यहाँ से जरूर वापस जाएंगे। तब कावे कहता है, पर आखिरकार तुम अपनी डेविल की पावर के बिना कैसे करोगे? और तब हम देखते हैं वो डॉक्टर आस्था को गिरफ्तार कर लेती है और वो वहाँ से जाने की
की बात करती है, तब कावे कहता है हम लोग इन तीनों को यहीं खत्म करेंगे। मैंने मैजिक नाइट्स को कम समझा, पर वो बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। इस बार तो हम लकी थे जो हम बच गए, पर अगली बार हमें ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तो अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो ये हमारा आखिरी चांस है। और तब हम देखते हैं एक पर्सन कावे की तरफ तलवार कर कहता है आखिरकार तुम इतने डरे हुए क्यों हो? और आस्था इसी चीज का फायदा उठाकर मैरी को वहाँ से बचा ले जाता है। तो सियोना कहती है अब तुम इस हमले से नहीं बच पाओगे, और अगर तुमने कोशिश की तो तुम्हारे पीछे वाली लड़की मारी जाएगी। और तब वो आस्था पर हमला कर देती है, और हम देखते हैं यूनो आस्था को बचा लेता है और कहता है तो तुम लोगो वो डेविल बैनिशर्स। तब आस्था कहता है आखिरकार तुम कहाँ से टपके? तब सिल्फ कहती है हम लोग तो बस आसपास की जगहों पर नजर रख रहे थे, और ये तो बस एक कोइंसिडेंस है जो कि हम यहाँ पर मिल रहे हैं। तब क्लाउस कहता है हम लोग मिशन से बाहर गए थे तब कैप्टन विलियम ने हमें इधर उधर ध्यान रखने के लिए कहा। तब अनोभी भी उन पर हमला कर देता है, पर यूनो उसके हमले को काट देता है। तब डॉक्टर कहती है अब हमें यहाँ से बचकर निकलना होगा। तब वो वहाँ पर बम फोड़ देती है जिससे चारों तरफ धुआं हो जाता है। तब आस्था कहता है नैरो को छोड़ दो। तब डॉक्टर कहती है तुम पीछे हट जाओ नहीं तो ये लड़की मारी जाएगी। तब हम देखते हैं यूनो अपनी हवा से उस मोक को हटा देता है। तब वो लोग अपने आसपास एक बैरियर बना देते हैं, और गायब होने से पहले डाजू आस्था की ग्रिमोर उठा लेती है और कहती है सब लोगों का कहना है कि फाइव लीफ ग्रिमोर के अंदर डेविल रहता है, तो इसलिए हम इसे ले जा रहे हैं। और वो लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। तब क्लाउस कहता है उन्होंने आस्था की ग्रिमोर चुरा ली है, अब आस्था के पास कुछ नहीं बचा है। तब यूनो कहता है ऐसा कुछ नहीं हुआ है क्योंकि आस्था का मैजिक उसकी ग्रिमोर से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है। तब क्लाउस कहता है आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? तब आस्था कहता है तुमने सही कहा, और अपने हाथों की हथकड़ियों को तोड़ देता है। तब आस्था कहता है मेरा मैजिक कभी हार ना मानना है, तो इसलिए मैं नैरो और अपनी ग्रिमोर को वापस ला कर रहूंगा। तब यहाँ मैरी को हॉस्पिटल ले जाया गया होता है, और गोश उससे मिलने आ जाता है और कहता है तुम इतनी जल्दी नहीं मर सकती मैरी, तो प्लीज मुझे छोड़ कर कहीं मत जाओ। तब आस्था कहता है चिंता मत करो, डॉक्टर ओवन के हिसाब से ये सोरी है और कुछ टाइम में जाग जाएगी। तो इसका मतलब ये ठीक हो जाएगी, लगता है तुमने मुझ पर एक और एहसान कर दिया है। तब यहाँ डवनाटियो कहता है आज ये कंफर्म हो गया है कि मेरे साथी इस पूरे कांड में इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए मैं सबसे माफी मांगता हूँ। तब कैप्टन यामी कहते हैं तुमने कहा था कि वो लोग जस्टिस चाहते हैं, पर उन्होंने सब लोगों को खतरे में डाल दिया था। तब कैप्टन विलियम कहते हैं लगता है वो लोग किसी के बहकावे में आकर ये सब कुछ कर रहे हैं। तब विजिट किंग कहते हैं आस्था की ग्रिमोर चुराना किसी और का आइडिया है। तब यहाँ मार्क्स कुछ पकड़े हुए लोगों की मेमोरीज चेक कर रहा होता है, पर उसे वहाँ भी कुछ नहीं मिलता। और तब मैजिक पार्लियामेंट का एक मेंबर कम्युनिकेशन डिवाइस लेकर आता है जिस पे काबे ने कांटेक्ट किया होता है। तब डवनाटियो कहता है आखिरकार तुम कहाँ हो? तब काबे कहता है वो सब कुछ झूठ था, वो लोग असल में डेविल को नहीं मारना चाहते हैं, सच्चाई तो ये है वो लोग डेविल की पावर पाना चाहते हैं। ये लोग वो हैं जो कि डेविल की पूजा करते हैं, और इनका नाम डेविल बिलीवर्स है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।